वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, टैग टीवी पे देखते हैं आप, और हम इस पे अपने एनालिसिस पेश करते हैं। आपकी राय आती है, हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पे कोशिश करते हैं कि अमल किया जाए। आप अपने कमेंट्स हमें देते रहिएगा, अपना प्यार हमें देते रहिएगा और हम उसको अपने दिल में रखते हुए, आपकी मोहब्बतों को समेटते हुए अपने प्रोग्राम उसी जज्बे के साथ करेंगे। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, हम हर उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया में पूरे लोगों को उसकी आगही हो, उसकी अवेयरनेस हो। और वो अवेयरनेस आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पे जो कि 1528 से शुरू हुआ, जब मुग़ल बादशाह बाबर ने एक मस्जिद बनाई। अब जब हम उस मस्जिद की दीवारों पे लिखे हुए वो कुछ हर्फ पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें मालूम होता है कि इसके पीछे जो आर्किटेक्ट था, जो जिसने बनाई थी, ये कौन था। तो वो बाबर साहब थे। और उसके बाद ये मामला चलता रहा चलता रहा, और ये टाइम लाइन 1528 से लेके 2019 जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, इस तक अभी तक इस मुद्दे पे बात हो रही है। इसी मुद्दे को मज़ीद समझने के लिए, इसकी टाइम लाइन को समझने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे ताहिर असलम गोरा साहब के साथ। उनको खुश आमदीद करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। ये जो टाइम लाइन है बाबरी मस्जिद की, राम मंदिर की, इस पर आज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिबेट है, एक राजनीतिक मसला है, सामाजिक मसला है, ये क्या है। तो इसको हम शुरू करते हैं कि बाबर साहब ने जो ये कहा जाता है कि बनाई थी 1528 में, ये कैसे शुरू हुआ मामला। देखिए, अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो बाबरी मस्जिद के बनने के अगर कोई आसार हैं तो 1528 से शुरू होते हैं और आजकल में फैसला आने वाला है 2019 को, तो 1528 से 2019 तक। और अगर हम भारत की धरती की टाइमलाइन समझते हैं तो ये जो 350-400 साल हैं, वट एवर, ये लगता है पीनट्स हैं। ठीक है, ठीक है ना जी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो धरती ऑफ कोर्स वो हम सब की है, यानी जो भारतीय हैं जी। ठीक है, रिलीजन्स तो बहुत बाद में आए, बहुत सारे वहाँ पर। अब आपने कहा कि क्या ये मसला सोशल है, रिलीजियस है, ये क्या है, सियासी है। सियासी है तो देखिए, तब शुरू हुआ था, तब शायद सियासत इस तरह की नहीं थी। तब मुग़ल आना शुरू हुए, ठीक है, उन्होंने उससे पहले, मुग़लों से पहले मंगोल भी आए, बहुत जुल्म किया। हम भारतीयों की तारीख में, हम भारतीयों के जो हमारे अबाउजदात हैं उन पर बहुत जुल्म किया इन जालमों ने। ठीक है, उनको मारा, सोना ले गए, सारे वसाइल ले गए। यही काम बाद में आके बरतानिया वालों ने किया जी। ठीक है, बहरहाल जब वो आए तो उन्होंने मस्जिद भी बनाई। ये बात तय है कि मस्जिद बनाई होगी तो ऑफकोर्स इसी धरती पे बनाई है ना जी। और अगर अयोध्या जैसे एक इंतहाई मुकद्दस भारतीय जगह पे बनाते हैं तो 99% चांसेस यही थे कि वो देवताओं की और राम की और उनकी धरती जी, तो उनकी धरती पर बनाए गए थे। ठीक है, कोई एक मस्जिद तो नहीं बनाई होगी जी, अक्रॉस भारत कई इस तरह के जालमाना काम किए होंगे। लेकिन उस वक्त कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं थी, कोई राजे नहीं थे, इसीलिए तो ये काबज हो गए ना आके, मुग़ल रोका नहीं जा सका, रोका तो उन्होंने बना ली। तो आप 1528 में जब वो बनती है तो उसके बाद वो ज़माना और था। अब आप जब आप तकरीबन 350 से भी ज़्यादा, तकरीबन 400 साल, लिटल लेस देन 400 ईयर्स, बल्कि मेरा तो मैथ भी ख़राब हो गया, 400 साल तो हो गए ना। अब हम 2019 में बैठे हुए हैं तो रादर लेस देन 500 ईयर्स जी, बिल्कुल ठीक है ना जी, ये सारी टाइम लाइन है। तो आज जब हम बैठ के देखते हैं तो 1528 में स्ट्रक्चर को बनाया गया, 1717 को ये स्ट्रक्चर जो था मॉस्क का, इसको एक राजा ने या एक नवाब ने, जय सिंह साहब ने ज़मीन को बाय कर लिया और वो अपने घर के तौर पर उसको यूज़ करते रहे जी। उन्होंने भी डिस्कवर किया 1717 में। अच्छा, इसमें जो पहले मैं अगर 1528 में वापस जाऊं तो हिस्टोरियन जो ये बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये बाबरी मस्जिद बनाई बाबर ने ऑन द रुइंस ऑफ राम मंदिर। हाँ, उसके जो भी वहाँ पे थे बाकियात थी, जन्मभूमि, जन्मभूमि जो थी, जन्मभूमि जहाँ पे राम पैदा हुए जी, तो वो एक इन्फेंट राम वाज बोर्न ऑन दैट लोकेशन, आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन उनके वहाँ पे
पहले से आसार थे वहाँ पे, पहले से वहाँ पे बाकियात थी, खंडरात जिसे कहते हैं, वो तो सारे उसके ऊपर मस्जिद बनाई। और 1700 जो आप बता रहे 77 में, 1777 में जी जी, जय सिंह ने फिर उस पर बाकायदा 1717 में उन्होंने इस जगह को खरीदा। तो आप ये देखिए कि 1528 को ये मस्जिद का स्ट्रक्चर बना। एंड ऑफकोर्स जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जगह तो मुकदस होगी जी, चूँकि अयोध्या जैसा शहर हो बिल्कुल, और वहाँ की तो एक एक इंच जो है जी वो बिलोंग टू वो जो राम और उनके सारी तो वहाँ पे जब ये मस्जिद बनती है ऑफ कोर्स, तो वो ज़माना और था, को पावरफुल राजे नहीं थे जो बाबर को या मीर बाकी जो उनके जर्नैल थे जिन्होंने ये बनाई उसको रोक सकते जी। बन गई ठीक है, फिर जाहिर है बहुत नहीं चली होगी, बहुत कम मुसलमान होंगे, आबादी भी कम थी, हाँ कन्वर्ट ही हुए ना ज्यादातर तो जी, जी, ठीक है ना जी, मुस्लिम हो रहे थे उस दौरान, सारे थोड़े मुसलमान आए थे आप जो 200 मिलियन मुसलमान भारत में रहते हैं, 200 मिलियन जो पाकिस्तान में चले गए, 200 मिलियन ऑलमोस्ट जो बांग्लादेश में, ये सारे थोड़े आए थे जी, या इनके बावजूद थोड़े आए थे, मोस्ट ऑफ देम तो कन्वर्ट थे ना, तो आए तो कुछ चंद सौ मैक्सिमम चंद हजार होंगे बिल्कुल उस जमाने में। अच्छा अब भरा वो बन गई, फिर वो जाहिर है नहीं चली होगी मस्जिद की वो जगह, तो तभी तो जय सिंह साहब ने उसको बाय किया ना जगह को। और उनसे पहले भी वो एक विलियम फिंच नामी एक मर्चेंट है, उन्होंने भी नोटिस किया कि भाई यहाँ पर कोई मंदिर के आसार हुआ करते थे। वो तो लिखा है बाकायदा विलियम फिंच ने लिखा है कि इस पर्टिकुलर लैंड पीस ऑफ लैंड पे राम मंदिर या मंदिर के एक जन्मभूमि के वहाँ पे थे आसार थे बिल्कुल ठीक है ना, तो फैक्ट है, हिस्टोरियन फैक्ट है। अच्छा वो भी था, फिर बाद में भी ये बात डिस्कवर हुई, लेकिन असल ये मसला बिगड़ता है 1880s में, 1880s में ठीक है ना जी, जब ये दोबारा कहीं मस्जिद के तौर पर फिर दोबारा से जय सिंह की पर्सनल प्रॉपर्टी से निकल के दोबारा से इसकी कोई शक्ल बनती है। तो ऑफकोर्स ये कोई नया मसला नहीं है, यहाँ पर यूं लगता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों की सूरत साथ साथ चलने लगी अर्ली 70s के ऑनवर्ड। यहाँ मैं आपको एक तवज्जो दिलाना चाहूँगा एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई राम मंदिर की जगह पर right. जो कि वहाँ पे थे, वहाँ पे उसके ऑलरेडी जो थे साइंस थे। फिर 1859 में बरतानवी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे इसको फेंस लगा देते हैं बिल्कुल, और फेंस लगाने के बाद इसमें मुसलमान अपनी यहाँ पे इबादत करें, हिंदू यहाँ पे पूजा करें। इससे पॉइंट में जो प्रूव करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये इशू 1859 में ब्रिटिश सरकार ने नोट कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था, कर लिया था, और ये उनको पता था कि बाबरी मस्जिद तो अभी बनी है, बट द फैक्ट दैट दे रिकग्नाइज कि दिस ऑल्सो वॉज ओरिजिनली राम मंदिर, दिस इज द फैक्ट 1859 में हो गया था डिसाइड जी। ये मेरे ख्याल में जजेस को ये पॉइंट तो खैर बताया गया होगा, लेकिन वो भी इसलिए कि 1853 में एक तरह की वहाँ पे टेंशन और राइट्स भी हुए होना हुए थे, आबादी बढ़ गई थी, तो बरतानी सरकार ने उस जमाने में देखा, वो चूंकि सबको अकोमोडेट करना चाहते थे, ये वही जमाना जब वो ब्लास्फेमी लॉ भी लाए कि आप किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं कर सकते। वैसे ही जब ये लफ्ज़ धर्म आता है तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, धर्म रिलीजन का नाम नहीं है, रिलीजन रिलीजन है जी। धर्म तो ये है कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं एज जर्नलिस्ट, ये हमारा धर्म है ठीक है, बिलीफ, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग ठीक है ना जी। जब यहाँ से उठ के जब हम अपनी गाड़ी से अपने काम की जगह से घर जाएंगे तो उस वक्त हम ड्राइवर होंगे, तो हमारा धर्म यह काम रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर के तौर पर वेरी गुड गाड़ी चलाएं। और लेकिन ये असल में सारी टर्मिनोलॉजी और ग्रामर को गलत तरीके से भारत में जिस तरह अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और उसके अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स वो वर्षे में दिया, वो अभी तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं ठीक है। अब ये जो मसला है मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इस बात को देखना चाहूँगा, अब ये मुस्लिम हिंदू मसला बन गया जी, तभी से 1853 से यानी रिलेटिवली मॉडर्न जमानों से 1859 में ब्रिटिश सरकार, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मुस्लिम हिंदू मसला कैसे बना, चूंकि हिंदू तो हम सब हैं जी जी, धर्मा के हिसाब से वो जो हम बार बार कहते हैं कि सनातनम धर्म जिससे पूरे भारत के कन्विक्शंस या बिलीव्स निकले हैं जी, चाहे आप हिंदू मदर ऑफ ऑल, चाहे आप हिंदू हों चाहे क्रिश्चियन हो ठीक है ना जी। अब आप देख लीजिए कि वो अगर सनातनम के मानी भी अगर आप देखेंगे तो वो ये होता है कि इटर्नल, कोई आगाज नहीं, नहीं कोई अजल नहीं, मदर ऑफ ऑल सर, कोई एंड नहीं हाँ।
ठीक है अंत है। अच्छा, अब वो सनातन से निकलने वाले सारे जो लोग हैं उनका फेद कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई मतलब जैसे, अब ये क्वेश्चन मैं हिंदू एक्सपर्ट से कर रहा हूं, मैं हिंदू भी लफ्ज कहते हुए डरता हूं, मैं उनको किसी एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हाँ मैं चूंकि हिंदू तो मैं भी हूं ना, मैं तो ऐसा समझता हूं, बिल्कुल, चाहे मैं मुस्लिम फेथ क्लब में पैदा हुआ हूं, मैं भी हिंदू हूं, इसलिए कि वो सनातन जो एक मेरी बिलोंगिंग है, ओरिजिन है, जो ओरिजिन है वो तो वही है, ठीक है, ये तो फेथ क्लब है ना, ठीक है, यू हैपन टू बी बोर्न इन अ फैमिली दैट बिलोंग्स टू अस। अब ये है कि मतलब जब हम बात करते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, हम कहते हैं जी क्रिश्चियंस हैं, ये मुस्लिम्स हैं, बहुत सालों से, बल्कि दो सदियों से ये बात हो रही है कि जी ये हिंदू हैं। अच्छा, हिंदू जब वो होते हैं तो मुझे थोड़े सा ये होता है कि ये क्या हमसे अलग हो गए, मैं भी तो हिंदू तो मुझे भी दिल्ली के साथ जाना है, ठीक है ना, तो वो शायद मैं अब उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हिंदू एक्सपर्ट से कि अगर कोई फेथ को आपने करना है तो आप जरा ओपन बताएं कि हम सब हिंदू हैं, फेथ आप यूं कर दें कि कुछ सनातन के जो जैन हैं या सिख है, डिवीजन गई है, ठीक है ना जी, वो सारे जैसे सिख एक ब्रांच है, जैन है या और जो ब्रांच है, बुद्ध, वो सब वहीं से निकले होंगे, ठीक है, तो उसमें हिंदू प्लीज वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए इस्तेमाल ना करें, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, उसमें हमें भी शामिल। असल में झगड़ा जो था ना वो, ये तो लफ्ज आ गया हिंदू, लेकिन जो झगड़ा था वो ये था कि यहाँ इबादत होगी यहाँ पूजा होगी, तो वो एक ग्रुप, हर ग्रुप तो हर जमाने में होते हैं ना, राइट, तो वो जो झगड़ा हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि अच्छा इसको फिर अब हम कॉन्फ्लिक्ट बना देते हैं, राइट। 1960s में आपको पता है कि ये हमारा मॉडर्न कोर्ट सिस्टम आ गया था, तो 1961 में इसको लेकर गए कोर्ट में पहली मरतबा। हाँ नहीं, मैं तो कहूँगा कोर्ट तो 18 में ही आ गया था, हाँ, चूंकि अब हम बात कर रहे हैं जो ये तो प्रॉब्ली 1883 में कोर्ट में गया था जी, अब हम इंडिपेंडेंस तकसीम की बात कर रहे हैं, तकसीम के बाद, हाँ। बल्कि वो तो 49 में भी बात हो गई थी, 49 में गया। मैं इसलिए ये बात जरा थोड़ी सी दोबारा अपनी एक्सटेंड करूंगा, ये जो मुतनाजा बनती जगह ना, अगर ये हिंदू मुस्लिम की ये वाली डिफ्रेंशिएशन ना होती, अगर ये वाली कोई होती ना हदबंदी कि ये जी हिंदू इस तरह एक अलग धर्म है और मुस्लिम उनसे अलग है, नहीं, इस डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी। अगर ये हम इनफैक्ट समझते कि मुस्लिम्स भी जो हैं वो हिंदू का हिस्सा हैं, तो फिर मुस्लिम्स को कोई इतराज ना होता, फिर वो कहते कि जनाब क्या मसला है, देखिए ना काबा शरीफ में भी तो एक बुत पड़ा हुआ है ना, मुस्लिम्स का जो सबसे मुकद्दस मुकाम है वहां भी तो हजरा अस्वद एक सबसे बड़ा बुत पड़ा हुआ है ना, ठीक है ना, अल्लाह भी जो नाम है वो भी तो एक सबसे बड़े बुत का नाम था ना, और जो खाना काबा है वो भी एक चार दीवार। मैं अब यहां से निकल के भारत की उस धरती से निकल के मैं अरबों की धरती में घुस गया हूं, जहां से इस्लाम इन आता है, बिल्कुल, तो वहां से जो इस्लाम आता है वो भी सनातन की फॉर्म में भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपका जो सबसे मुकद्दस जो हजरा अस्वद है वो भी इनफैक्ट एक बुत है, और जो सबसे बड़ा अल्लाह का नाम है हमारा वो भी सबसे बड़े बुत का नाम था, बिल्कुल। अगर मुसलमान इसको सियासी मसला बनाने की बजाय, मैं मुसलमान लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जी, उस वक्त की, आज की लीडरशिप मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है, इस पर बात हम बाद में करेंगे, मतलब हिंदुस्तान की, ऑफ कोर्स ये जरूरी है, पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं चल सकता। अच्छा, तब वहां पे अगर उस जमाने में वो ये बात समझ लेते हैं 1883 में भी, तो ये मसला ही नहीं था, ये मसला ही नहीं था ना, मसला यही था कि भाई अगर अंदर ये जो मॉस्क बनी हुई है अगर आप बुत रखते हैं तो इसमें क्या बुरी बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी, बिस्मिल्लाह रखें, जो एक हमने वो जैसे मेहराब बनाई होती है, जो मेंबर बनाया होता है वो भी तो बुत है ना। अच्छा, मुसलमान कहते हैं कि वो जी आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हुक्म दिया बुत तोड़ दिए जाए, अब मुझे उस हिस्ट्री का पता है लेकिन उसके हम शवाहिद कई शक्लों में मौजूद है, मगर हजरा अस्वद को तो ना तोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी, तो क्या इस बात की इंडिकेशन है कि वो भी तो सनातरा हेरिटेज की एक सूरत है ना, क्या पता उसको प्रोटेक्ट किया गया हो इंटेंशनली, ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट तो हर साल करते हैं ना, जो हज पे इतने लोग जाते हैं वो तो खैर चमकाते हैं, अच्छा ठीक है, तो अब मेरा मकसद ये है कि अगर ये बात 1883 में समझ ली जाती तो फिर अगर ये एहसास होता उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप को कि भाई ये तो कोई इशू ही नहीं है, हाँ जी बिस्मिल्लाह ये रखिए, मूर्तियां रखिए, तो शायद ये मसला ना बनता, ठीक है, लेकिन जाहिर है मसला बना, फिर अंग्रेजों ने फेंस लगाई, फिर उसके बाद
49 आया 47 के पार्टीशन के बाद, यानी वो जगह इनफैक्ट ओपन नहीं हो सकी पब्लिक के लिए। अच्छा, 20 साल और गुजर जाते हैं। हाँ, 20 साल और गुजर जाते हैं और 1984 में ये बाकायदा एक मूवमेंट की शक्ल बनती है। अब ये मूवमेंट आ जाती है हिंदुओं की तरफ से कि इस राम जन्मभूमि की एक तहरीक शुरू हो जाती है। राइट। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इतने इसमें तकरीबन आपके कितने सौ साल गुजर चुके हैं अभी। राइट राइट राइट, तकरीबन 300 साल गुजर गए। राइट राइट। अब 300 साल के बाद ये एक तहरीक भी शुरू हो जाती है और इस तहरीक की ज़रूरत यूँ पेश आती है कि ये सारे फैक्ट सामने आपके रखे हुए, मतलब किसी अंधे को भी बोलेंगे ना कि यार ये फैक्ट हैं, बाबरी ने यूँ किया था, उससे पहले जन्मभूमि थी, फिर यूँ हुआ, फिर जय सिंह ने यूँ किया, फिर उसके बाद कोर्ट ने ये फैसले किए, तो अभी ये एक फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए वी हैव टू, क्योंकि बाजू का एक जी जी काम करना, 400 साल से ज्यादा गुजर गए, बहुत हो गया ना, टू मच हो गया ना। राइट, मतलब कितना और चलेगा, मतलब सबर की एक वो होती है, तो उन्होंने उसको बाकायदा एक शक्ल दी और फिर वो वहाँ से ये मूवमेंट शुरू होती है। तो ये एक ज़रूरी होता है बाज़ अवकात इंसान के तारीख के मुख्तलिफ जब अदवार आते हैं तो उसमें कि आप कितना खामोश रहोगे, कितना चुप रहोगे, कितना दबोगे, शराफत की भी कोई हद होती है ना। तो ये जन्मभूमि की तारीख भी 1984 से शुरू हुई, जो मैं आपको जिस तरफ लेकर आना चाह रहा था, और 1986 में आप जाते हैं तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर किया था कि गेट ऑफ द मॉस्क टू बी ओपन्ड आफ्टर 37 ईयर्स। ये यहाँ पर आके फिर एक नया कहानी टर्न लेती है, ट्विस्ट लेती है। तो ये इसमें बताएं कि फिर आगे सिलसिला कैसे बढ़ता है। देखिए, वो सारा 49 से 86 तक, बल्कि 86 तक क्या 2014 तक ही जी, कम्युनल पॉलिटिक्स भारत में हुई बुरी तरह। यस, ठीक है ना जी। हाँ। भारत में ये तय हुआ कि ये जो कम्युनिटीज़ के ख़ासतौर पर जो रिलेटिवली वो जैसे माइनॉरिटीज़, मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटीज़ अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे माइनॉरिटी भारत में हो सकता था अगर मैं भारत में रहता। हाँ। मैं हिंदू हूँ, लार्जेस्ट हिंदू से मुराद मेरी वो को धर्म, फिर धर्म भी लफ्ज़। हाँ। ये धर्म, ये जो टर्मिनोलॉजी ने मुझे बहुत बुरी तरह, मजहब कह ले, हाँ मजहब या फेथ, वो भी नहीं था। हुँ। ठीक है, मैं हिंदू हूँ इसका मतलब भारतीय हूँ, चाहे मेरा फेथ कुछ भी है। ठीक है, ये एक सिंपल बात है, धर्म की इंटरप्रिटेशन की नहीं जा सकती। ठीक 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 है, मेरे नजदीक। हाँ, धर्म, अच्छा, देखिए धर्म को अगर आप उसमें देखेंगे इंग्लिश ऑक्सफर्ड उसमें, तो वो रिलीजन या जो भी लिखा हुआ है। हाँ, वो तो, बट दैट डज नॉट डू जस्टिस विद द वर्ड धर्म। वो तो डिक्शनरी में बहुत सारे लफ्ज़ों के मानी चेंज हुए। ये एक इटर्नल वर्ड है, बिल्कुल, इसको आप किसी भी रिलीजन के साथ टाई नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, दिस इज द मदर ऑफ ऑल थिंग। एब्सोल्युटली, तो अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो फिर आपको, फिर तो ये झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, फिर ये झगड़ा ही नहीं था। लेकिन अब चूंकि ये झगड़ा था और अभी भी थोड़ा है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 86 में वो 49 के बाद गेट खोले गए। ठीक ठीक है जी, आ जाए जी, कर लें जी इबादत। लेकिन उसमें भी फिर उसके फौरन बाद वो इशू बना दोनों तरफ से, बिल्कुल सही, वो मुस्लिम तरफ से भी और हिंदू महासभा की तरफ से भी, कि भाई ये जगह हमें इस्तेमाल की जाए। ठीक है, फिर ये इशू बना जी कि अच्छा जी, आप अंदर तो नमाज पढ़ लिया करें, बाहर पूजा कर लिया करें। ठीक है, तो जाहिर है हिंदू महासभा वाले और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने जैसे कि विश्वा हिंदू प्रसाद वाले थे, और इन सब ने कहा कि भाई बात यह है कि ये क्या बात हुई, हम भी अंदर आते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, जब वो चीज़ें भारत में साला साल से, जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स में ये रहा कि एक फेक सेकुलरिज्म रहा जी, सेकुलरिज्म के नाम पे जो मेजॉरिटी की बात सुनी नहीं जाती थी, माइनॉरिटीज के वोट लेने के लिए जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वेरी गुड पॉइंट, यस, ठीक है ना जी, वो ये नहीं कि माइनॉरिटीज के साथ हमदर्दी के लिए, जस्ट वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक उनका, जैसे अब कनाडा में भी हो रहा है वो। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर आप आज की उसको राजनीतिक बैकग्राउंड में देखें इंडिया की जी, तो आपको ये बात बड़ी खुल के तमाम इंडियंस को समझ में आ जाएगी कि जब जब कांग्रेस की हुकूमत रही तो इसके साथ पॉलिटिकल गेम खेला गया। सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत नहीं, मैं आपको बताऊं, वो जो रीजनल हुकूमतें हैं ना, वो भी कम्युनिस्टों की, यूपी में समाजवादी, फिर ये मिस्टर मलयाम सिंह की, लेकिन बिग पिक्चर में आपको बता रहा हूँ वो सब यही कार्ड खेल चलते। वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आती है 1990 में जी, और एलके आडवाणी साहब बनते हैं जी मंत्री साहब, तो वहां से इन्होंने एक फर्म स्टांस लिया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, अब हम इसको बना के दिखाते हैं कैसे होता है, और ये बीजेपी की हुकूमत थी, और आज 2019 में भी बीजेपी की हुकूमत है। मैं आपको ये लिंक जोड़ के दिखा रहा हूँ, उसको समझिएगा इसको। हाँ, लेकिन जो कमिटमेंट होती है ना, वो क्या होती है, वो 1990 में शुरू हो गई थी कमिटमेंट, बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन जो बहुत बड़ा फसाद हुआ
वो राइट्स उसमें हुए वो 1992 में हुए जी जी, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी जी, तो अब जरा डॉट से डॉट मिलाते जाएं। ठीक है, उस वक्त सेंटर में बीजेपी की सरकार नहीं थी। सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत ने ही एक कमीशन बनाया। ठीक है, फिर गालबन 92 में ये हुआ तो छः उसके बाद दिसंबर में दिसंबर को नहीं उसके बाद 93 में जी गवर्नमेंट ने ये जो हमारे सामने टाइमलाइन है डिफरेंट तरह की कोर्ट में गया था ना फिर मामला कोर्ट में, यानी कि इस इंसिडेंट के 16 दिसंबर 1992 को ये अटैक हुआ था, डिमोलिशन हुई और फिर उसके बाद एक कमीशन बना, दस दिन के बाद ही कमीशन बन गया था जो कांग्रेस सरकार ने बनाया। उस वक्त जो सेंटर की गवर्नमेंट थी वो नरसिम्हा राव साहब जी उसके थे प्रधानमंत्री। और फिर उसके 3 महीने के बाद 93 में हाँ लेबर हान कमीशन बनाया गया कि ये कैसे हुआ इसको समझा जाए। ठीक है ना जी, फिर एक और इंसिडेंट होता है 2001 में भी तो होता है, फिर एक मामला 2002 में असल में होता है, वो तो 2001 में तो टेंशन बढ़ जाती है, यहाँ से तनाव बढ़ना 2002 में गोधरा के मुकाम पर, गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर, ये अयोध्या के पास है जी, अयोध्या भी ठीक है ना जी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर एक चीज़ देखता हूँ ना, तो मतलब वो आज की सरकार पे, मोदी सरकार पे अगर कभी भी वो अटैक करते हैं ना, तो वो गुजरात और ये गोजरा का वाक़े को सामने लेकर आते हैं। ये वही सिर्फ नहीं भारत का जो एलीट फैशनेबल लेफ्ट का ग्रुप है ना, वो भी यही करता है। और उनकी कोशिशों से ही एक दफ़ा जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब का, उनकी भारत के अपने लेफ्ट के लोगों की कोशिशों से, एलीट जो सर उनके हैं ना सर्कल्स, उन्होंने ही मोदी साहब का वीज़ा भी एक दफ़ा रखवा दिया था यूएस में, उसको बड़ा इशू समझते हैं कि हाँ, कामयाबी हो गई बड़ी, वो उन्होंने यूएस की हुकूमत को किया था एक तरह से कन्विंस कि इनको नहीं आना चाहिए जी, जी, जी। बगैर समझे कि वो वाकया कैसे हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था, 27 फरवरी 2002 को वो एक गोधरा से एक ट्रेन आ रही थी जो अयोध्या तक जा रही थी। ठीक है, पिलग्रिम्स की ट्रेन थी, पिलग्रिम, उस पर हमला हुआ था। और वो अब यही बताते हैं मुहक्किक जिसमें हिंदू पिलग्रिम्स थे। अच्छा, और अटैक कौन करता है, वो यही बताते हैं कि वो जो बाबरी मस्जिद के रिएक्शन में जो एक्सट्रीमिस्ट कुछ मुस्लिम ग्रुप्स थे उस वक्त के उन्होंने अटैक किया था। 58 वो हिंदू यात्री मारे जाते हैं, उस पे फिर एक शदीद रिएक्शन आया। उस रिएक्शन में बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुई, जो रफली जो इंडिपेंडेंट सर्वे बताते हैं को रफली को 790 समथिंग वो मुस्लिम फिर उस राइट्स में मारे गए, ओवर 200 जो थे वो हिंदू मारे गए। और लेकिन उसको भी बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया जाता, हालांकि इसमें एक भी जान जाए किसी भी तरफ की वो अफसोसनाक है। तो फिर मेरा सवाल आपसे भी यही है, दुनिया से भी, पहला पत्थर किसने मारा था, देखिए ट्रेन को किसने हमला किया था? नहीं, ट्रेन पे तो ऑफ कोर्स वही एक्सट्रीमिस्ट कुछ मुस्लिम इंस्टिगेटर्स जो थे अनफॉर्चुनेट उन्होंने किया हमला। ठीक है, जिसके बाद वो बेचारे मासूम कई मुसलमान भी मारे गए और मासूम हिंदू भी मारे गए। ठीक है ना, तो जाहिर है एक जब मॉब की सिचुएशन बनती है तो उसमें वहां के कोई चीफ मिनिस्टर या किसी गवर्नर या किसी प्राइम मिनिस्टर, मोदी साहब को तो अभी पता भी नहीं, बने तो मेरे ख्याल एक दो महीने ही हुए, और कौन अपनी जुरिसडिक्शन में टेरिटरी में इतना बड़ा फसाद करा देगा। मोदी साहब, आज मैं क्रेडिट भी देता हूँ मोदी साहब ने फिर इसको कैसे कंट्रोल किया, कैसे, जाहिर है एक दो महीने उनको गालबन हुए थे चीफ मिनिस्टर बने, इससे पहले उनका पॉलिटिक्स का डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी नहीं था। ठीक है, वो नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे, ये उफ्ताद उनके सर पर आन पड़ी, इमीडिएटली वो काबू नहीं कर सकते थे क्योंकि चीज़ें अनलीस्ट हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जहाँ अक्सर ये इस तरह के वाकयात होते रहते थे। मोदी साहब की उस वाक्य के बाद, इस वाक्य की संगीनी के बाद जो हुआ वो तो हुआ, उसके बाद मोदी साहब ने उस रीजन पे इस तरह कंट्रोल किया कि फिर कभी फसादात नहीं आज की तारीख तक, ये उनका, और इस बात को मुस्लिम लीडरशिप समझती है। मैं आपको बताऊं, मैं कनाडा में ही हूँ आप ही की तरह साल से, 20 साल तो मुझे हो गए, आप शायद मेरे से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर हैं। यहाँ पर जब मोदी साहब कनाडा आए थे कोई ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स अगो और 5 ईयर्स अगो, जब अपनी उनकी पहली सरकार थी,
तो मुसलमान गुजरातियों का सैकड़ों लोगों का ग्रोह था जिन्होंने उनका स्वागत किया था जी। वो अभी तक मेरे पास पिक्चर्स हैं। नहीं तो हाउडी मोडी में आप देखें, ठीक है, हाउडी मोडी में बाकायदा एक मुस्लिम गुजराती। मैं जिस राइडिंग में रहता हूँ, जहाँ हमारा स्टूडियो है मिसागा मॉल्टन, इत्तेफाक से मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, यहाँ गुजराती मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद रहती है। और मैं अभी परसों ही अपनी एक इलेक्शन वो डिबेट में ग्रोह से मिला, कोई दर्जन से ज़्यादा होंगे। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मैं अहमदाबाद शायद जल्दी जाऊँगा, तो वो इतने ज्यादा हुए, उन्होंने कहा हमारे मोदी साहब के देश में जाएंगे। हाँ, हम हमारा भी मुझे, आई वाज शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू, लाइक मुझे जो ट्विटर पे जो इनविटेशन आते हैं जी, गोजरा से ज्यादातर आते हैं। एब्सोल्युटली, वो कहते हैं कि वी वांट यू टू कम, हमारे घर आइएगा आप, हमसे हमारे साथ, हम आपको घुमाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मेरे नेबरहुड में गुजराती मुसलमान अच्छी खासी तादाद में रहते हैं जी, और इलेक्शन की वजह से मेरा उनसे रابطہ भी हुआ। दे आर सो वेलकमिंग, सो लविंग टूवर्ड्स मोदी जी। बिल्कुल, मेरे जो गाड़ी, जाहिर हम सब गाड़ी किन्नों की खराब होती है, तेल बदलवाना होता है, साजिद भाई हैं जो वर्कशॉप के ओनर हैं, गुजरात से हैं, बिल्कुल गांधीनगर से हैं, वो इतने बड़े फैन हैं मोदी साहब के। ही इज अ यंग चैप, आई नो, वो इतने बड़े फैन हैं कि वो मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई कोई चीज़ मंगवानी हो तो बताओ, मैं तो साल में दो बार जाता हूँ। एनी हाउ, तो ये वही कंट्रोल था मोदी साहब का कि वो फजा दोबारा बनी ही नहीं, वो कभी ना हुआ। वो राइट्स उससे पहले तो आम हुआ करते थे ना, हाँ। वो राइट्स को ना सिर्फ रोका बल्कि उसके बाद की एक हार्मोनिक, मतलब वो राइट्स जितने हो सकते थे, अनफॉर्चुनेट जितने हुए वो तो काबू से बाहर थे, वो तो एक खौफनाक लावा था, स्टैम्पीड होता है तो उसके होता है। बाद फिर मोदी साहब ने सारी सूरतेहाल को रोका, और अब आप देख लीजिए कि उसके बाद वो कई दफा चीफ मिनिस्टर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर अब दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैंने पीछे बात की थी कि अब जो भारत की जो मुस्लिम लीडरशिप है वो बहुत बेहतर है, ये 83 के मुकाबले में अब तक अब गरम है, 49 में, इवन पिछले सारे ये जो कांग्रेस पार्टी हो या दीगर जो समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने मुस्लिम कार्ड को बरता। अच्छा, मोदी साहब ने मुस्लिम कार्ड को नहीं बरता। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मुझे वोट देने हैं तो भारतीय समझ के वोट दीजिए, ठीक है ना जी, मुझे आपके गैटो को या आपके वो जो एथनिक पॉकेट है उसको अपने मफाद में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, ठीक है। और मोदी साहब को इस सेकंड इलेक्शन में तो बेतहाशा मुसलमानों से वोट मिले, वो तो अब नजर आ रहा है, वरना वो इतनी भारी अक्सरियत से। गोरा साहब, आपको सीरियसली बताऊं, मैं अब इसको ऐसे देखता भी नहीं हूं। जी जी, मैं मोदी सरकार 2.0 को ऐसे देखता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा हुआ है, उसमें मैं डिवीजन ही नहीं देखता कि हिंदू है मुसलमान है, क्योंकि अगर मुसलमानों का वोट नहीं होता तो इतनी मेजोरिटी नहीं होती। मतलब हिंदुओं की भी जो डिवीजन थी वो कांग्रेस वांग्रेस वाली सब खत्म हो गई, वो हवा ही निकल गई, राहुल वाली और वो सारी थी ही नहीं कभी। हाँ नहीं नहीं, हम देखिए डेमोक्रेसी के कायल हैं और पूरा भारत डेमोक्रेसी के कायल है, कांग्रेस सरकार हो, गांधी फैमिली हो, कांग्रेस जो सरकारें पिछली गुजरी हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक होती थी, नहीं डेमोक्रेसी लेकिन होती थी, डेमोक्रेटिक होती थी, मगर वो ये कार्ड भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन टू केयरफुल। अब जो पॉलिटिकल करेक्टनेस टू मच ज्यादा, अब जो कांग्रेस पार्टी है, वोट बैंक नाराज ना हो जाए, अब जो कांग्रेस पार्टी है वो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि उनमें भी आप होंगे सर, मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं पूरी उम्मीद हूँ कि उसमें कोई एक वो इंस्टीट्यूशनल चेंज आएगा, ठीक है ना जी, क्योंकि भारत को एक स्ट्रांग अपोजिशन भी चाहिए। सर वो तो चाहिए, लेकिन स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए, करप्ट अपोजिशन नहीं चाहिए। नहीं, वो एक अलग बहस है, ध्यान में रखिए। हाँ, नहीं लेकिन लेकिन भारत में बहरहाल ये इवॉल्व करेंगे, कुछ लोग हैं शशि थरूर वगैरह अच्छे लीडर्स हैं, आई होप कि वो इवॉल्व करेंगे, और जब वो इवॉल्व करते हैं तो अपनी पार्टी को बचाएंगे। मेरा जो बट लेकिन आज हमारा वो बहस नहीं है, मैं इस पे एक पॉइंट बहस करूंगा मैं आपसे, वो ये कि देखिए मेरा उसूली जो है ना प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन क्या है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान, जी जी, ये जो इनहेरिटेड फैमिली फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम होता है ना, ये डेमोक्रेसी का किलर होता है, एंड दैट्स व्हाट आई सी इन कांग्रेस पार्टी राइट नाउ। माँ बेटा पोता पोती नवासा नवासी सारा ये खानदानी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, क्वालिफाइड लोगों को लाना चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए, उनको इलेक्ट करना चाहिए पार्टी पोजीशन। देखिए वो भी खानदानी निज़ाम भी ख़त्म तो डेमोक्रेसी के जरिए, किधर हुआ इतने सालों से, आज 2019 आ गया सर। नहीं अब देखिए, नहीं अब उम्मीद नज़र नहीं आती, अब टूटना शुरू हो गया ना, अब कोई कह सकता था कि आज 2019 में कांग्रेस की ये जो फैमिली है जो इतनी मजबूत होती थी, अब उसका अशर अशीर भी नहीं रही, तो कैसे हुआ?
ऐसे हुआ कि जब मनमोहन सिंह जैसे लोग अच्छे आते हैं नहीं, नहीं वो अवाम के उनको काम भी नहीं करने दिया जाता ना, वो तो पुरानी बात होगी। अब अवाम के वोटों ने वापस आ जाते हैं। नहीं, अवाम के वोटों ने ही तो इनको बेअसर बनाया ना 100%। या तो राहुल साहब समझेंगे, मैच्योर होंगे, ये एक अलग बहस है, बड़े हो जाएं उधर। अगर नहीं होंगे तो जाहिर है अवाम के वोट है, वो फैसला करेंगे आप और मैं, कोई वी आर नोबडी टू बच्चा बड़ा हो जाए फिर थोड़ा सा। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो मामलात जब आ गए कोर्ट में जी, एक कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया अजीब सा, जो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया, 2010 में जी। ये समझाइएगा कि ये तीन टुकड़ों में, तीन हिस्सों में, तीन जो है वो पार्टीज को, कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को इतना और इसको इतना और इसको इतना, ये क्या कहानी थी? देखिए जी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 1/3 दे दें, हिंदू महासभा को 1/3 दे दें और निर्मोही अखरा को जी 1/3 दे दें। फिर दिसंबर 2010 में कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में ये लेकर गए, इसको चैलेंज किया, 11 में लेकर गए, नहीं ये दिसंबर 2010 दिसंबर 2010 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट कनाडा ने हाई कोर्ट के जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के फैसला को स्टे ऑर्डर कर दिया, स्टे ऑर्डर कर दिया। और साथ उन्होंने इस हैरत का भी यह इजहार किया कि कोई पार्टी चाह ही नहीं रही थी कि इस जगह को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाए। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं चाह ही नहीं, वो कहेंगे कि ये कौन, ये तो स्टेक होल्डर ही नहीं थे, इनकी तो डिमांड ही वही 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 वाज नॉट द ओरिजिनल डिमांड। नहीं नहीं, वो यही कह रहे हैं, डिमांड तो ये ना कि या तो मुसलमानों का है या हिंदुओं का है। तो वो यही था, उन्होंने कहा कि हमें हैरत है कि कोई पार्टी तो चाह ही नहीं रही थी, तीन वाली बात कहां से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? खैर, ठीक है, उसके बाद ये केस एक तरह से सर्दखाने में रहा। अच्छा, हिंदू महासभा की मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात आपको बता दूँ, हिंदू महासभा ये वही लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को फिर एक शक्ल दी और इस पर बाकायदा पुरजोर तरीके से काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर ये नौबत आई कि ये लोगों ने एटलीस्ट इनको ये डिसीजन मिला, लेकिन फिर वापस ये स्टे ऑर्डर हो गया। देखिए, इसमें बहुत सारे ग्रुप शामिल हैं, वो जमा एक हिंदू महासभा भी है, वो जो ख़ासतौर पर यूपी में बहुत सारे मंदिरों के जो कस्टोडियंस हैं और भारत में और भी बहुत सारी जगहों के ये जो निर्मोही आखड़ा वाले जो साथी हैं ये भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जो अच्छा आरएसएस जो है वो असल में एक जैसे होता है ना पानी की तरह की है, जहाँ जिस शक्ल में फ्लोट फ्लोट करते हैं कर लें डालें वो डल जाएंगे, क्योंकि उनका मिशन एक है सेवक स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, तो जहाँ कहीं उनको ये मिशन नज़र आता है तो आरएसएस की ऑफिशियल मेंबरशिप तो होती नहीं है, आरएसएस के जो एफिलेटेड जज्बात रखने वाले लोग होते हैं वो फिर खुद ब खुद उस तरफ हमदर्द माइल हो जाते बिल्कुल, हैं। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो तो इस पूरे अच्छा, सिनेरियो में आरएसएस को जो है वो कोई पार्टी भी नहीं है, उसका कोई प्रेशर भी नहीं है और उसका कोई किरदार भी नहीं है। हाँ, उनकी ख्वाहिश है, उनकी सीधी सी ख्वाहिश है, हिस्ट्री के तलबगार हैं वो, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं चीज़ों को, एकेडमिक डिबेट और हेरिटेज के। देखिए, भारतीय जो है सब के सब, जब मैं भारतीय कहता हूँ उसमें पाकिस्तानी भी भारतीय हैं, अगर उनको समझ कभी जिंदगी में आ जाए तो, ठीक है, भारतीय पूरे के पूरे यूनाइटेड हैं। 70 साल में नया पासपोर्ट मिल गया, ठीक है, पूरे के पूरे यूनाइटेड हैं भारतीय। अगर वो यूनाइटेड होते हैं तो हेरिटेज की बेस पर यूनाइटेड होते हैं, उसमें हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, ठीक है ना, मुस्लिम हो, सनातन वाला हो। मैं लफ्ज हिंदू कम इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जब हिंदू कहूँगा तो हम सब आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना जी। ये पता है, इसको अगर हम आसान लफ्जों में समझाना चाहो ना, तो फर्ज करें कि मैं कहूं कि ये अरब है, जी जी जी, ठीक है ना। हाँ, अब आपको पता है कि अरब में क्रिश्चियन भी होते हैं। ओहो, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है ना, ठीक। तो फिर क्या मतलब हुआ कि वो अरब है? हाँ, इसी तरह अब आप कह रहे हैं जब हिंदू हैं, हाँ, तो देन दैट मींस कि वी आर हिंदू, दैट डज नॉट हैव टू बी लाइक इसमें क्रिश्चियन सिख ईसाई हिंदू। मैं आपको बात से बात निकलती है, मेरा एक दोस्त है नासिर उसका नाम है, जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन है जी, ठीक है। वो एक दिन मुझे मिला, कहने लगा जी अस्सलाम वालेकुम, जब पहले पहले मेरी वाकफियत शुरू हुई, मेरा हमसाया है। तो मैंने कहा, हंस के कहा, मैंने कहा नासिर, तुम चूंकि नॉन मुस्लिम हो, अगर तुम मुझे ये अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में कहोगे तुम जेल जा सकते, चूंकि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम इस्लामिक ग्रीटिंग्स नहीं कर सकता। नहीं कर सकता था, अभी हैरी वो गए ना, क्या नाम है, वो विलियम और केट मिडिलटन ने अस्सलाम उनको नहीं जेल में डालेंगे ना, नहीं डालेंगे, अहमदी बोलेगा तो वो जेल में होगा, वो जला दिया जाएगा, ठीक है ना, वो जेल में होगा, ठीक है। अगर हिंदू बोलेगा शायद उसके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन जब नासिर ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, गुस्से में आ गया, उसने कहा कि
कि कौन सा मुल्क है, ये कौन सा कानून है जो अस्सलामु अलैकुम पे मुझे डालेगा, ये कोई इस्लाम का नहीं है अस्सलामु अलैकुम, ये अरब दुनिया का है इस्लाम। उसने कहा 1500 साल पुराना है, मेरी जुबान हजारों साल पुरानी है, और अस्सलामु अलैकुम ये इस्लाम का नहीं है, ये अरब दुनिया का वर्ड है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, और किसी की मजाल है जो मुझे हाल लगाए। वंडरफुल। तो मैंने कहा तुम पाकिस्तान में जाकर जरा ये कह के दिखाओ, एक छोटा सा है जो भी मेस्ट अप क्या करे, बात मजाक में खत्म हो गई। अच्छा, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि 2011 मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया, वो वही उसका हाई कोर्ट अलाहाबाद के हाई कोर्ट के डिसीजन को, स्टेटस को कर लिया। उसके बाद मामला अपेरेंटली सर्दखाने में चला गया, कभी कभी प्रेस में आ जाता था। 17 तक ही मामला दोबारा 5 दिसंबर 2017 के फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ऑफ इंडिया, मैं माफी चाहता हूँ कनाडा कहता हूँ चूंकि हम अभी साल से यहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 दिसंबर 2017 को एक फुल बेंच ने इसकी फाइनल हियरिंग की डेट रखी। दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस, ठीक है ना जी। हाँ, उसके बाद 6 अप्रैल को एक हियरिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद 6 अगस्त 2019 को, अब टाइमलाइन वहां से 17, 18 और अब 19 आ गया आज के, आज का ये अगस्त जो पिछला गुजरा, ठीक है ना जी। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फाइनल हियरिंग सुनना शुरू कर दी है जी। आज क्या डेट है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 18 है, ठीक है ना जी। 18 को अभी तक फैसला कनाडा के 18 के मुताबिक, अक्टूबर की 18 अक्टूबर के मुताबिक अभी तक फैसला नहीं आया। पूरी दुनिया की आपकी मेरी जो है ना कान लगे हुए हैं, लगे हुए, ठीक है ना जी। लेकिन अब आइडिया, वैसे आइडिया तो होगा ना, देखिए आइडिया ये है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज तो दें आज हमारे नाज़रीन। आइडिया नहीं, वो मैं आइडिया क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये कोर्ट का काम, मैं तो सिर्फ वो डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। हमने 2-3 साल में देखा कि आपस में मीडिएशन हो रही है वहां भारत, चेंज हुई, ठीक है, भारत में मीडिएशन हो रही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी बैठ रहा है, दीगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी बैठ रही हैं, ठीक है, शायद शिया ग्रो इसमें ऑन बोर्ड नहीं है जी। वो इसलिए उनके सेक्ट का भी मसला है, उनको शायद बाबरी मस्जिद में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो एनी हाउ वो डिफरेंट ग्रुप्स बैठ रहे हैं, इत्तेफाक से जो इस वक्त मिनिस्टर हैं वो शिया सेक्ट से हैं, बहुत ही लर्नड आदमी है, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो लगता ही है कि मीडिएशन हो रही है जी। बाबरी मस्जिद के फैसले के आने से पहले अब तक बहुत मीडिएशन हो चुकी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को कन्विंस करने की शायद बातचीत चल रही है। अब मोदी जी की सेकंड सरकार है, भारी अक्सरियत से ये सरकार बनी है, और ये बड़ी ही ज़्यादा सबका साथ सबका विकास वाली है, और इनकी कमिटमेंट भी है, वैसे मोदी सरकार की कमिटमेंट भी है। तो ये आपस में बैठ के मेरा ख्याल है कि मीडिएशन या बिहाइंड द डोर बातचीत कर रही हैं। मैं अब यही जो मेरी रिक्वेस्ट है जी, भारत की मुस्लिम लीडरशिप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, वो पाकिस्तान जैसा हिसाब तो नहीं है, ठीक है ना, उनको पता है कि भारत उनका भी उतना ही देश है जितना किसी और बैकग्राउंड वाले का है। अच्छा, उनकी अपब्रिंगिंग भी ज़रा डिफरेंट हुई है, ज़रा नहीं काफ़ी डिफरेंट, तो वो उसका मैं आपको आखिर में एक नमूना पेश करूंगा, ठीक है, वो काफ़ी बेहतर है। तो अब मैं आखिर में इस मामले में आपसे जो अपनी राय शेयर करूंगा वो यही है कि मुझे पूरी तवक्को है कि मुस्लिम लीडरशिप ऑफ इंडिया राम मंदिर बनने के हक में सरेंडर करेंगे, प्यार वाला सरेंडर, ठीक है ना जी। सरेंडर भी मैंने एक लफ्ज शायद बड़ा इस्तेमाल कर दिया, बड़ा दिल करेंगे, हाँ बड़ा दिल करेंगे, क्योंकि जिनकी जगह है वो उनको मिलनी चाहिए जी। ये राम की जन्मभूमि है, ये उनको जानी चाहिए। राम हमारे लिए, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए भी उतने ही मुकद्दस हैं जितने किसी और के लिए मुकद्दस हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, अगर किसी के लिए मुकद्दस नहीं है तो होने चाहिए, इसलिए कि वो हमारी इस खूबसूरत भारतीय धरती के फाउंडिंग पिलर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मेरी तो उनसे यही रिक्वेस्ट है जी, बिल्कुल, और मेरी रिक्वेस्ट तो बड़ी छोटी सी है। हाँ। वो मेरे से ज्यादा समझदार है, वो मेरे से ज्यादा अकलमंद लोग हैं, और मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। मैं समझता हूं कि वो जो है ना फजा बन गई है,
اچھا اس میں ججز انشاءاللہ میں بہت کم یہ لفظ استعمال کرتا ہوں انشاءاللہ بھی اور السلام علیکم بھی ٹھیک ہے باپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں ایک چیز اور کہتا ہوں کہ جو ایک فضا بن گئی نا ججز ہیں وہ بڑے اس وقت ایک ٹف پوزیشن میں بھی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کمفرٹ پوزیشن میں بھی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ امیکیبلی ڈیسائڈ ہو جائے ناٹ آن دا بیسس آف کہ اونرشپ کس کی تھی کیا ہسٹری بتاتی ہے بلکہ آن دا کرنٹ سچویشن اس میں جو لوگوں کے جذبات ہیں بالکل جو ایموشنز ہیں جو لگاؤ ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہندوستان میں فضا ہے اس وقت ہندو مسلم کی وہ بڑی اچھی ہے آئیڈیل ہے دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو ڈو دا ڈیسیجن اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے پہلا پتھر رکھے رام مندر کا اور اس کی کتنی پھر میں ماشاءاللہ کہوں گا پھر آپ ماشاءاللہ بھی کہیں گے اور اس کی کتنی رسپیکٹ ہوگی اس پوری دنیا میں ناٹ اونلی دا ہندوستان میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں اگر میں مسلمانوں سے کہوں میں سوچ رہا تھا کہ میں اگر ہوں تو میرے فرض کریں کہ وہ مقام صفا اور مروہ کے درمیان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف دوڑ رہی ہوتی ہیں پانی کے لیے اور وہ پانی وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ایڑی مارتے ہیں تو وہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور وہاں اسے ہم آب زمزم کہتے ہیں پھر اسی میں وہاں چند پتھر رکھ کے وہ خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے اب اگر تاریخ کے کسی موقع پہ وہ اس خانہ کعبہ کی جگہ کوئی جا کے اپنی مورتی رکھ کے کوئی اور پوجا شروع کر دے تو مجھے تو یہ ہوگا نا کہ ہسٹوریکلی تو وہاں تو جو تھیں وہ حضرت ابراہیم اور ان کی وجہ سے خانہ کعبہ بنا تھا سیم چیز اگر ہم سوچیں اپلائی کریں کہ رام للہ کی ایک انفینٹ بچے کی ایک دیوتا کی وہاں پیدائش ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے مسجد بنا دی کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ پلاٹ جہاں خالی ہے وہاں مسجد بنا دیتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا لیکن بابری مسجد اور یہ رام مندر کو چھڑا کر ہی ایک نئی تاریخ رکھی جائے گی نہیں نہیں بالکل اور یہی ایک نئی تاریخ کی ہم منتظر ہیں اصل میں وہی میں نے بتایا نا کہ جو فضا بن گئی ایک مائنڈ سیٹ ہے اچھا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے گور صاحب آپ دیکھیں کہ جو جس طرح سے ریڈیکلائز کیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کو براڈ مائنڈڈ کیا جاتا ہے یہ ہمارے انفارچونیٹلی جب یہ لکیر کھینچی گئی تھی تقسیم کے وقت ساتھ ساتھ یہ ذہنی لکیر بھی کھینچ دی گئی تھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں شیور اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو ذہنی سوچ ہے مائنڈ سیٹ ہے یہ ہم اپنے آپ میرے اور آپ کی عمر کے نہیں ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے بڑھاتے ہیں لیٹس واچ دس کوئک ویڈیو کلپ انڈین آرمی کو ہم گلیاں صاف کرنے میں لگا دیں گے اور میں ابو سے کہوں گی کہ گوا کے ساحل پر ایک بڑا سا گھر لے لیں مجھے ہندی زبان لکھنی نہیں آتی اب صرف اردو چلے گی ہاں کتنا مزہ آئے گا جب ہم دہلی گیٹ پر گائے کے کباب کھائیں گے تاج محل پر جشن تکمیل پاکستان منائیں گے فتح کے بعد 2020 کی چھٹیوں میں میں شملہ جاؤں گی ہم جب آئیں گے نا تو پورے ملک میں باتوں منا کے دیں گے سن لو آر ایس ایس کی دہشت گردو اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہند بنے گا پاکستان جو آپ نے ابھی دیکھا سر چھوٹے بچوں کے ذہن میں ہم ڈال کیا رہے ہیں آپ اس کی ایک پوری جنریشن کو بنا کیا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں دنیا ہم سے بات کریں ہم ریڈیکلائز نہیں ہیں شرمناک ہے یہ ویڈیو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ ویڈیو بھی شرمناک ہے اس کے بنانے والے بھی شرمناک ہیں اور اس مائنڈ سیٹ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کس قدر گھٹیا زبان اس میں استعمال کی گئی ہے کہا گیا ہے بچے کہہ رہے ہیں اور یہ بچے بھی کوئی مدرسے کے بچے نہیں ہیں ماڈرن اسکولوں کے بچے دکھائیں گے اور ان کے منہ سے یہ نکلوایا جا رہا ہے کہ ہم دلی میں بیٹھ کے گائے کے کباب کھائیں گے مطلب کم آن گرو اپ شرمناک بات مطلب اتنی تھرڈ کلاس کہ جتنی مذمت کی وہ کہتا ہے کہ میں آر ایس کے ٹیررسٹ ہوں آؤں گا مار لوں گا اچھا ان کی اوقات کیا ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ کوئی کہتا ہے جی میں جاؤں گا جا کے گھر لے لوں گا یار واٹ آر یو ٹاکنگ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس فوج کے بلبوتے پہ جس فوج نے بنایا فوج بھی چھوڑیے اس نے آج تک نہ کوئی جنگ جیتی ہے نہ وہ جنگ اترنے کے لائق ہے اگر یہ کوئی بڑی بہادر فوج بھی ہوتی فرض کیجئے یہ امریکہ کی فوج بھی ہوتی تب بھی نہیں کہتے بات تب بھی ایسی تو ویڈیو نہیں بنتے نا نہیں ٹھیک ہے نا جی تب بھی شرم آنی چاہیے ان کو تو مطلب جنیوا کے وہ وار کرائم نہیں ہوتے ان میں لے کے جانا چاہیے دنیا کو جی بھارت کو نہیں پوری دنیا کو گھسیٹنا لے کے کہ یہ جو تمہاری آرگنائزیشنز اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی جن جو وہ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ جن آرگنائزیشن کی جمعیت علماء اسلام جمعیت وغیرہ وٹ یہ سوری یہ جمعیت طلبہ اسلام جماعت اسلامی والے ہیں جو بھی وہاں پاکستان میں گروپ ہیں
وہ سارے کے سارے یہ جو اسلامسٹ گروپس ہیں یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جی. اور ان کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے جی. اور اب یہ ویڈیو بنا کے تو انہوں نے اپنے گھٹیا پن کی جیسے انتہاؤں کو ہوتا ہے نا چھو لیا. بالکل. اچھا شیم آن دیم, لعنت ہے ان پر. بالکل ہے, بالکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں دو تین کیمرے آ گئے ہیں, ان کے ہاتھ میں دو تین ڈائریکٹر آ گئے ہیں, کچھ ایکٹر ویلی پھر رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں کام نہیں مل رہا, تو اب انہوں نے یہ یوز کرنا ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ فلمیں بنانا شروع کر دی ہیں, اور پاکستان کی پوری قوم کو انہوں نے ایک فلم بنا کے رکھ دیا ہے, کیونکہ ریالٹی میں یہ گراؤنڈ پہ ایک پاؤں آگے نہیں چل سکتے. لیکن اس کا بڑا اچھا جواب ہندوستان کے بچوں نے دیا ہے, اور ان کی سوچ کو بھی آپ ذرا دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس سے بھی زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں, اور ہمارے یہاں سبھی دھرموں کے لوگ مل کر رہتے ہیں. جب تمہارے یہاں پشاور میں آتنکیوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا, اس دن میری ماں بھی روئی تھی. ڈیئر فرینڈس, جو لوگ تمہارے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو کہ وہ تمہاری ایجوکیشن پہ اور دیش کے ڈیولپمنٹ پر دھیان دے, یہ تمہارے لیے اور پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا. اور اگر کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے تو کبھی بھی آ جانا, ہم تمہیں 56 بو کھلائیں گے, کیونکہ ہم مہمان کو بھگوان مانتے ہیں. بھارت ماتا کی جے. بھارت ماتا کی جے. وندے ماترم. جے ہند, جے بھارت. سے اچھا جواب شاید آپ کو نہیں مل سکتا تھا, جو کہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آئی ایس پی آر غفور صاحب, باجوا صاحب, عمران صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سپورٹ رول میں جو لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. یعنی کہ ہم اور ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وینا ملک, جو کہ اپنا جسم ننگا کر کے ہندوستان میں آئی تھی, آج اپنا ذہن ننگا کر کے ٹویٹر پہ بیٹھ کے آئی ایس پی آر کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہی ہے. اور یہ وہ ہتھیار ہیں جو کہ ہماری آئی ایس پی آر استعمال کر رہی ہے عمران خان کو سپورٹ دینے کے لیے. اس سے زیادہ گھٹیا پن کا مظاہرہ شاید نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے بچوں نے جو جواب دیا ہے وہ بہت اچھا دیا ہے. وہ کہتے ہیں لو نو ہیٹ, وہ کہتے ہیں پیار نو وار, اور وہ کہتے ہیں پیشن نو اگریشن. اور یہ جواب میرے خیال میں بڑا بے مثالی جواب ہے. اس کے لیے میں ان بچوں کو سلام کرتا ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا, اجازت دیجیے گا. Have a great evening.